अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ठंडा पानी पीने के नुकसान बताऊंगा। ऐसी बीमारियां जो ठंडा पानी पीने की वजह से होती हैं। ठंडा पानी पीने से हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है, हमारे पेट पर क्या असर पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि ठंडा पानी पीने से होता ही क्या है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है ठंडा पानी पीने से कुछ नहीं होता तो आज की वीडियो को देखें। आप हैरान हो जाएंगे कि ठंडा पानी पीने से आपकी जान भी जा सकती है। तो दोस्तों, आप अपना थोड़ा वक्त जरूर इस वीडियो को देखने पर लगाएं ताकि आप जान सकें कि ठंडा पानी किस तरह से हमें बीमारियों का शिकार बनाता है, हमारी जान तक ले सकता है। और जैसे कि अभी गर्मियों का मौसम चल रहा है तो गर्मियों में ये सभी लोग गलती करने वाले हैं। बहुत से लोग ठंडा पानी पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक्स पियेंगे, सॉफ्ट ड्रिंक पियेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप ये समझ सकें कि ठंडा पानी पीने से किस तरह से हम बीमार पड़ते हैं, किस तरह से हमारा कमाया हुआ सारा पैसा बीमारियों पर ही खर्च होता है, किस तरह से हम हार्ट अटैक का शिकार होते हैं, किस तरह से हमारी मेमोरी पावर वीक होती है, किस तरह से मोटापा आता है और चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं ठंडा पानी पीने से हमारे दिमाग पर और हमारी बॉडी पर इसका क्या असर पड़ता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ठंडा पानी दिमाग को टच करता है। जैसे ही हम एकदम से ठंडा पानी पीते हैं तो ये दिमाग को टच करता है और कभी कभार हमारे सर में दर्द होने लगता है। क्या आपने सोचा है कि एकदम से ऐसा होता क्यों है? जब भी ठंडा पानी पीते हैं तो दिमाग को टच करता है। हम थोड़ा इंतजार करते हैं ताकि ठंडा पानी जो दिमाग को टच किया है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाए, फिर आप फिर से ठंडा पानी पीते हैं, लेकिन आप ये कभी नहीं सोचते कि ऐसा हुआ क्यों। दरअसल जो नर्व्स हमारे दिमाग की तरफ जा रही हैं ठंडा पानी पीने से वो सुन हो जाती हैं। इसका मतलब है हमारे दिमाग में एकदम से ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। और सोचिए, अगर आप ठंडा पानी पीते रहते हैं, इस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन दिमाग में कम होता रहता है तो एक वक्त आने पर आपका दिमाग काम करना बंद भी कर सकता है, यानी कि आपको ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। साथ ही साथ अगर आप हर बार ठंडा पानी पीते रहेंगे तो आपकी मेमोरी पावर कम होती है, क्योंकि हमारे दिमाग की तरफ जो नसें जा रही थीं वो ब्लड सर्कुलेशन कम कर देती हैं, जिस वजह से हमारी मेमोरी पावर वीक हो जाती है और हमें आस्ते आस्ते भूलने की प्रॉब्लम हो जाती है। इतना ही नहीं, जो लोग ठंडा पानी पीते हैं उनके सर में भी अक्सर दर्द रहता है। साथ ही साथ ऐसे लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ठंडा पानी पीने से दिमाग की तरफ जाने वाली नसें सुन हो जाती हैं, इस वजह से आस्ते आस्ते हमें सर में दर्द की प्रॉब्लम और फिर वो प्रॉब्लम माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाती है। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो आपके बाल भी झड़ने लगते हैं। अब आप सोचेंगे कि बालों के झड़ने का और ठंडे पानी का क्या रिलेशन है? तो दोस्तों, रिलेशन है। दरअसल हमारे बालों के झड़ने की जो वजह होती है वो है हमारे बालों की जड़ों को न्यूट्रिशन न मिलना, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से न होना। वैसे जब हम ठंडा पानी पीते हैं तो जो ब्लड सर्कुलेशन हमारे दिमाग में होना था वो कम हो जाता है, जिस वजह से हमारे बालों को न्यूट्रिशन मिलना कम हो जाता है और इस तरह से आस्ते आस्ते बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ना झड़ें तो ठंडा पानी प्लीज ना पिएं, क्योंकि ठंडा पानी पीने से आपके बाल झड़ते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ठंडा पानी पीने से आप लो बीपी के शिकार भी हो सकते हैं। आप देख लीजिए, अगर आपके नजदीक कोई भी इंसान जो लो बीपी का मरीज है उससे पूछ कर देखिए, वो जरूर ठंडा पानी पीता होगा। दरअसल ठंडा पानी पीने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन एकदम से कम होता है, क्योंकि जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो वो ठंडा पानी हमारे पेट को ठंडा करता है और हमारा पेट कभी भी ठंडा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन हमारे पेट की तरफ चला जाता है, जिस वजह से हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेशन लो हो जाता है। यही वजह है कि आप आस्ते आस्ते लो ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये ठंडा पानी हमारे पेट के लिए बहुत बुरा है। पेट के लिए कितना बुरा है ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप ठंडा पानी पीते हैं तो पेट से जुड़ी हुई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तकरीबन 50 से लेकर 60 तरह की बीमारियां सिर्फ ठंडा पानी पीने की वजह से होती हैं। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो ये हमारे डाइजेशन को कमजोर करता है, साथ ही साथ इससे हमारी इंस्टेंटाइन सुकड़ जाती है, जिस वजह से इंसान को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि जो लोग कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं वो लोग ठंडा पानी पीते हैं। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप ठंडा पानी पीना बंद करें, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन से इंसान को बहुत सी बीमारियां लगती हैं। अब आपने ठंडा पानी पिया तो ठंडा पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन हो गई। अब मैं आपको
बताता हूँ कि कॉन्स्टिपेशन होने से आपको क्या क्या बीमारियाँ होंगी। दरअसल कॉन्स्टिपेशन है क्या, जो भी खाना हम खा रहे हैं वो पेट में पड़ा सड़ता रहता है, पेट से बाहर नहीं निकलता। अब जो खाना हमारे पेट में सड़ता है वो सड़ा हुआ खाना हमारे खून में मिलता है, इस वजह से इंसान का खून गंदा हो जाता है और इंसान का खून गंदा होने से इंसान को सारी बीमारियां लगती हैं, क्योंकि ये गंदा खून गाढ़ा होता है और इस गाढ़े खून को पंप करने के लिए दिल को बहुत जोर लगाना पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम इससे हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका खून गंदा है तो ये गंदा खून साफ कौन करेगा, हमारी किडनी। अब किडनी इस गंदे खून को साफ करते करते खुद ही खराब हो जाती है, यानी कि किडनी फेल्योर की प्रॉब्लम, किडनी में स्टोन्स की प्रॉब्लम भी सिर्फ ठंडे पानी पीने की वजह से ही होती है। इतना ही नहीं, जब भी गंदा खून हमारी आर्टरीज में जमता है तो ब्लॉकेज हो जाती है, जिससे इंसान को हार्ट अटैक भी आ सकता है। अक्सर ही आपने ऐसी खबर जरूर सुनी होगी कि जो लोग थकावट के बाद एकदम से ठंडा पानी पीते हैं उनकी जान चली जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब थकावट होती है तो पूरी बॉडी को ब्लड की जरूरत होती है, लेकिन जब आप एकदम से ठंडा पानी पीते हैं तो इससे सारा ब्लड सर्कुलेशन पेट की तरफ चला जाता है और हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है, जिस वजह से इंसान की मौत हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि ठंडा पानी बिल्कुल न पिएं, क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। इतना ही नहीं दोस्तों, ठंडा पानी पीने से आपको मोटापा भी आता है, क्योंकि जब भी हम ठंडा पानी पीते हैं तो यह हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को स्लो कर देता है और कॉन्स्टिपेशन का भी सबब बनता है, जिस वजह से इंसान का वजन बढ़ने लगता है। जो खाना हम खाते हैं जब वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा ही नहीं तो वजन तो बढ़ेगा। बहुत से लोगों को लगता है कि पानी पीने से वजन घटता है, इसीलिए वो लोग गर्मियों में दबा कर ठंडा पानी पीते हैं। पानी पीने से तो वजन घटता है, लेकिन दोस्त गर्म पानी पीने से, न के ठंडा पानी पीने से। ठंडा पानी पीने से आपका वजन बढ़ता है। अगर आप वजन बढ़ने से परेशान हैं तो प्लीज ठंडा पानी पीना बंद कर दें। इतना ही नहीं, ठंडा पानी पीने से इंसान को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है। आर्थराइटिस मतलब जोड़ों का दर्द। अगर आपके जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द है, घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, तो ठंडा पानी पीना आज ही बंद कर दें, क्योंकि जब भी आप ठंडा पानी पीते हैं तो यह ठंडा पानी हमारे खून में एसिडिटी को बढ़ाता है, जिस वजह से हमारे जिस्म में यूरिक एसिड बढ़ता है और ये यूरिक एसिड हमारे जोड़ों में जमना शुरू हो जाता है और ये जमा हुआ यूरिक एसिड हमारे घुटनों में, जोड़ों में दर्द पैदा करता है। इसका मतलब है अगर आपको भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो आप जरूर ठंडा पानी पीते ही होंगे। प्लीज ठंडा पानी पीना बंद कर दें, क्योंकि ये आपके घुटनों, आपके जोड़ों को बिल्कुल खराब कर देगा। अब आप सोचेंगे कि ठंडा पानी न पिए तो कौन सा पानी पिए। सबसे अच्छा है गर्म पानी का इस्तेमाल। अगर आप गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि इंसान को अपनी बॉडी के टेम्परेचर के बराबर ही पानी पीना चाहिए या इससे हल्का सा गर्म। तो इसलिए अगर आप गर्म पानी पियेंगे तो इससे आपका वजन कम होगा। गर्म पानी आपके खून को साफ करेगा, आपके दिल की ब्लॉकेज को खत्म करेगा, आपकी किडनी स्टोन्स को खत्म करेगा, गॉल ब्लैडर स्टोन्स को खत्म करेगा, बालों का झड़ना रोकेगा, चेहरे के पिंपल्स खत्म करेगा। यानी कि अगर आप गर्म पानी पीते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ठंडा पानी हमें किस तरह नुकसान करता है। तो आज से ही आप ठंडा पानी पीना बंद कर दें। इसके साथ साथ कुछ और बातों का ध्यान भी रखना है अगर आप हमेशा सेहतमंद रहना चाहते हैं, जैसे कि खाना खाने के बाद एकदम से पानी नहीं पीना, फिर चाहे वो ठंडा हो, गर्म हो, जैसा भी हो, खाना खाने के एकदम बाद पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जहर पी रहे हैं, क्योंकि इससे आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा और आपका खाना पेट में पड़े पड़े सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना पेट में 100 तरह की बीमारियां पैदा करता है। साथ ही साथ आपको पानी को जब भी पीना है घूंट घूंट कर पीना है, आस्ता आस्ता पानी पिए। इसके अलावा दोस्तों, पानी को कभी भी खड़े होकर न पिए, क्योंकि जब भी हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो ये पानी बहुत प्रेशर से हमारे पेट में जाता है, जिस वजह से इंसान का डाइजेशन कमजोर हो जाता है और बहुत सी बीमारियां लगती हैं। पानी को हमेशा बैठ कर पिए, आस्ता आस्ता पिए, ताकि ये पानी आपको नुकसान नहीं बल्कि फायदा करे। तो दोस्तों, इस तरह से आप पानी से मुतालिक बातों का ध्यान रखकर जिंदगी में बहुत ही ज्यादा सेहतमंद रह सकते हैं। देखिए
लेकिन दोस्तों सेहतमंद रहना इतना आसान है, लेकिन हमने इसको बहुत मुश्किल बना दिया है। अब देखें, अगर गलत तरह से हम पानी पीते हैं तो हम 100 बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और फिर इन 100 बीमारियों के लिए हमारे लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। हमारे दिन की शुरुआत दवाइयों से होती है, हमारी रात दवाइयों से ही खत्म होती है। तो मेरी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि सेहतमंद रहना आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस जरूरत है तो इन्फॉर्मेशन की। सही इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस चैनल फैक्टिक लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें।